हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस की अंतिम टेंस को बताएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जैसे वह आम खा चुका होगा। इसको हम लोग एक्टिव में लिखते हैं ही विल हैव ईटन मैंगो। लेकिन इसी को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, जो मैंगो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव इसमें लिख दिया जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है सहायक क्रिया जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें सहायक क्रिया जो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाया जाता है। आई और वी के साथ जो है शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ जो है विल हैव बीन का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे ही विल हैव ईटन मैंगो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो मैंगो को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय हिम, इसमें विल हैव बीन का प्रयोग होता है और क्रिया के थर्ड पार्ट का प्रयोग होता है बाय लगा के। फिर जो सब्जेक्ट रहता है उसी को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया जाता है, यानी ही जो सब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्टिव केस में ही हो गया। ही इज हिम ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाता है। उसी तरह ये असर्टिव सेंटेंस था, यानी असर्टिव में भी अफर्मेटिव रहा। अब हम समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे यही हम लिख देते हैं कि उसके द्वारा आम नहीं खाया जा चुका है, नहीं खाया जा चुका होगा। उसके द्वारा आम नहीं खाया जा चुका होगा, तो यह सेंटेंस नेगेटिव में हो गया। अब यहां लिखेंगे मैंगो विल नॉट है। अब नेगेटिव सेंटेंस जहां रहता है तो वहां हम लिखते हैं विल नॉट है, शैल नॉट है का प्रयोग करते हैं। विल नॉट है मीन Shall not have been, जब पैसिव में करते हैं तो लिखेंगे mango will not have been eaten by him। ये negative sentence में हो गया, यानी will और have के बीच not लगा दिया गया, will not have been। और अगर I और be अगर रहता subject के रूप में इस type का कुछ रहता तो I के साथ ये shall not have been लगा दिया। अब हम देखेंगे कि interrogative sentence कैसे बनाते हैं। जैसे वह आम, क्या वह आम खा चुका होगा, जैसे एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, क्या वह आम खा चुका होगा, तो इसको हम बनाएंगे और लिखेंगे क्या शब्द पहले आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ गया तो वहां लिखेंगे क्या वह आम खा चुका होगा। तो उसके लिए जो है लिखेंगे कि चेंज जब करेंगे तो लिखेंगे क्या उसके द्वारा आम खाया जा चुका होगा, क्या उसके द्वारा आम खाया जा चुका होगा। हिंदी में लिख दिया इसको। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या संपादा पहले आ गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, तो यहाँ उसके यानी ही सीट के साथ जो है विल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ लिखेंगे उसके यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यानी आम, आम उसके द्वारा आम खाया जा चुका होगा या आम उसके द्वारा खाया जा चुका होगा। आम यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस, तो लिखेंगे विल मैंगो हैव बीन ईटन बाय हिम। विल मैंगो हैव बीन ईटन बाय हिम। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए, जैसे उसके द्वारा आम क्यों खाया जा चुका होगा, अगर एक सेंटेंस आ गया कि उसके द्वारा आम क्यों खाया जा चुका होगा, क्योंकि जैसे मैं बोलूं कि वह आम क्यों खा चुका होगा, तो इसको हम पैसिव में चेंज
किसके द्वारा आम क्यों खाया जा चुका, उसके द्वारा आम क्यों खाया जा चुका होगा। इसको हम चेंज करेंगे, उसके द्वारा आम क्यों खाया जा चुका होगा, तो मैंगो यहाँ सब्जेक्ट है तो लिखेंगे, अब क्यों शब्द बीच में आ गया है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे व्हाई विल मैंगो हैव बीन ईटन बाय ही, ईटन बाय ही, Why will mango have been eaten by him? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव के दो प्रकार आपको मैं समझा दिया। अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों साथ में आ जाए, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका हम कैसे कैसे बनाएंगे। जैसे क्या वह आम खा चुका, नहीं खा चुका होगा, एक सेंटेंस है कि क्या वह आम नहीं खा चुका होगा। इसको जब हम पैसे में चेंज करेंगे तो लिखेंगे कि क्या आम उसके द्वारा नहीं खाया जा चुका होगा, क्या आम उसके द्वारा नहीं खाया जा चुका होगा। तो इसको हम पैसे में चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या, सब पहले आ गया तो लिखेंगे विल मैंगो नॉट, विल मैंगो नॉट हैव बीन ईटन बाय हिम। जैसे आम वह आम क्यों नहीं खा चुका हो, वह आम क्यों नहीं खा चुका हो, जिसमें एक शब्द जोड़ देता हूं, तो इसको हम बनाए कि आम उसके द्वारा क्यों नहीं खाया जा चुका होगा, आम उसके द्वारा क्यों नहीं खाया जा चुका होगा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखेंगे क्यों शब्द बीच में आ गया, इसलिए वाई लिखेंगे, वाई विल मैंगो नॉट हैव बीन eaten by him, आप लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस को लेकर के और मैं एक्टिव से पैसिव जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया, उसी तरह सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, यहां मोहन भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, वे भी हो सकता है, तो पैसे वाइज में जो सब्जेक्ट रहता है उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया जाता है। थैंक यू, आज है एक्टिव और पैसिव का पूरा जो है सिलेबस मैंने ट्रांसलेशन और ट्रांसलेट करके खत्म कर दिया। अब अगला वीडियो देखते रहिएगा आप लोग और नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिएगा। थैंक यू।